टेक बडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो कभी ना कभी आपने एक परेशानी ज़रूर झेली होगी कि आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है कभी कभी, और काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा होता है और सही से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक योर एंड्रॉयड फ़ोन फास्टर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बिना स्किप करे देखते रहिए अपने फ़ोन की स्पीड को बढ़ाने के लिए और अपने फ़ोन की स्पीड को फास्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक बडी पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर आप अपने स्मार्टफोन की स्पीड से परेशान हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, और इसमें आप देखेंगे कि हाउ टू मेक योर एंड्रॉयड फ़ोन फास्टर। तो इसमें इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ। आपके फ़ोन की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं अच्छी खासी, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और एक्चुअली में इसको आप देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद। दोस्तों, ये कोई बकवास ट्रिक नहीं है, इसको आप यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा अपने फ़ोन के स्पीड में। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना होगा। अभी मैं यहाँ पे गैलेक्सी नोट 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों, अपने फ़ोन की सेटिंग्स को आपको ओपन करना है, और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें आपको जाना होगा नीचे, यहाँ पे जनरल ऑप्शन में जाना होगा। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस ऑप्शन में यहाँ पे आप जाएंगे दोस्तों, तो अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा बिल्ड नंबर, जो ये आप थर्ड लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्ड नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो इस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर आपको 7 बार टैप करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 7 times टैप करना होगा। तो आप, मैं इस पर ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे इस पर 7 बार टैप करेंगे तो यहाँ पे आप मैसेज देखेंगे डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन टर्न्ड ऑन। मीन्स 7 बार टैप करने के बाद आपका डेवलपर मोड ऑन होता है। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप अपना डेवलपर मोड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेवलपर मोड ऑन करने के बाद आपको जाना है बैक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अबाउट डिवाइस के ऊपर यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डेवलपर ऑप्शंस पे। डेवलपर ऑप्शंस पे आप क्लिक करने के बाद इसमें दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, और थर्ड ऑप्शन आपका एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। दोस्तों, इन तीनों ऑप्शंस को आपको यूज़ करना है इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जाना होगा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर विंडो एनिमेशन स्केल, और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट वैल्यू है एनिमेशन स्केल 1x। तो दोस्तों, आपको इसको कर देना है ऑफ अगर आप पूरी तरह से अपने फ़ोन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, या आप 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो 0.5 में आपका पूरी तरह से आपकी स्पीड बूस्टअप नहीं होगी, आप इस एनिमेशन को यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए। इसी तरीके से आपका दूसरा जो ऑप्शन है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, यहाँ पे भी आप इसको क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको ऑफ कर दीजिए। इसी तरीके से आपका जो थर्ड ऑप्शन है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, यहाँ पे आप जा करके इसको भी ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों, ये तीनों ऑप्शंस आपको ऑफ कर देने हैं, उसके बाद सिंपल आपका कुछ नहीं करना है। ये सिंपल सी एक ट्रिक है, और इसको यूज़ करने के बाद, इस तरीके से आपका करने के बाद आप वापस आ जाइए। उसके बाद आप अपना कोई भी स्मार्टफोन होगा जो आपका लैग कर रहा होगा या स्लो चल रहा होगा, उस पर आप यूज़ करके देखिएगा, आप कोई भी चीज़ खोल के देखिएगा, फटाफट से आपका रिस्पॉन्ड करेगा और इमीडिएट वो आपकी स्क्रीन खुलेगी। मीन्स कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ वो जो पहले देरी से खुलती थी वो आपकी फटाफट खुल जाएगी, और आपका कोई भी चीज़ जो है बिना मतलब किसी डिले के फटाफट आपकी यूज़ होगी। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी ही मज़ेदार ट्रिक जिससे आप अपने फ़ोन की स्पीड को बूस्टअप कर सकते हैं, और इसको यूज़ करके देखिएगा दोस्तों। मतलब अब मेरी बात पे मत जाइए, आप इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि आपके फ़ोन की स्पीड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन ठीक ठाक चल रहा है तो शायद आपको कोई ज़्यादा अंतर नज़र ना आए इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद, लेकिन अगर आपका फ़ोन स्लो चल रहा है और लैग कर रहा है तो आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा अपने फ़ोन की स्पीड में। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रिक जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन की स्पीड को बूस्ट करने के लिए, अपने फ़ोन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, इसी तरह के ट्रेंडिंग वीडियोज़ देखने के लिए और अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।